चतुर्थ पाठ है सदैव पुरतो निधेयी चरणम। सदैव पुरतो निधेयी चरणम कि सदैव आगे चरण बढ़ाओ, सदैव आगे कदम बढ़ाओ। और इसमें पहला पैराग्राफ हो गया था, यानी पहला गद्यांश पद्यांश हो गया। दूसरा पद साथ दूसरा श्लोक बनाता पथि पाषाण, पथि पाषाण है, पथि पाषाण है विषमा विषमा है प्रखरा पथि पाषाण है, पाषाण है विषमा है प्रखरा है हिंसा हिंसा है पश्व है हिंसा है पश्व है परितु घोड़ा परितु घोड़ा सुदुष्करम 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 खलु यद्यपि खलु यद्यपि गमनम दुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेयी चरणम। सदैव पुरतो निधेयी चरणम श्रीधर भाष्कर वर्णेकर द्वारा दूसरा श्लोक लिखा गया कि पथि पाषाण विषमा है प्रखरा है हिंसा पशु परितु घोरा है सुदुष्करम खलु यदपि गमनम सदैव पुरतो निधेयी चरणम। और इस पैराग्राफ का इस श्लोक का अन्वय तो श्लोक के अन्वय में पथि विषमा है प्रखरा है पाषाण है पथि विषमा है प्रखरा है पथि विषमा है प्रखरा है पाषाण है पथि विषमा प्रखरा है पाषाण है दूसरी पंक्ति का अन्वय आ जाएगा परित है हिंसा घोर है पशु है परित है हिंसा है घोरा पशु है घोरा पशु है। अब तीसरी पंक्ति यद्यपि गमनम खलु यद्यपि
गमनम खलु यद्यपि गमनम खलु दुष्करम सु दुष्करम सदैव पूर्णतः चरणाम निधेयी सदैव पूर्णतः चरणाम निधेयी। ये श्लोकान अब इसमें हिंदी अर्थ में पथि विषमा प्रखरा तो पथि मार्ग में टेढ़े मेढ़े पखरा नटुले तीखे और तीखे पाषाणा परितः पाषाणा मार्ग में टेढ़े मेढ़े और तीखे पाषाणा पत्थर है जो दूसरी पंक्ति की उसका आ गया परितः है हिंसा घोरा है पशु चारों ओर भयंकर और हिंसक पशु है घोरा भयंकर हिंसक कि चारों ओर भयंकर और हिंसा के पशु हैं कि चारों ओर भयंकर और हिंसा के पशु हैं चारों ओर भयंकर और हिंसा के पशु हैं। अब तीसरी पंक्ति का अर्थ आ गया यद्यपि गमनम खलु दुष्करम यद्यपि कि फिर भी गमन निश्चय ही सुदुष्करम अत्यधिक कठिन है कि फिर भी गमन चलना निश्चय ही अधिक कठिन है। चौथी पंक्ति आ गई सदैव पुरतो निधेयी चरणम अन्य बन गया सदैव पुरतः चरणम निधेयी कि हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। एक शब्द और जोड़ दें फिर भी हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ।
यहाँ अर्जुन ये कहता है कि मार्ग में टेढ़े मेढ़े और तीखे, टेढ़े मेढ़े भी हैं और तीखे नकुले भी हैं, पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर और हिंसक पशु हैं, फिर भी गमन निश्चय ही अधिक कठिन है। फिर ये दोनों पत्थर टेढ़े मेढ़े और तीखे हैं तथा भयंकर और हिंसक पशु हैं, तो इससे जो गमन है, इस रास्ते में चलना है, वह अत्यधिक कठिन है। फिर भी व्यक्ति को सदैव कदम आगे ही बढ़ाने हैं, फिर भी व्यक्ति को निश्चित ही कदम आगे ही बढ़ाने हैं। ये निर्णय होगा इसमें अपने इस दूसरे श्लोक का। अब देखो तीसरा श्लोक, तीसरे श्लोक में जय ही भीतिम भज, भीतिम भज, भीतिम भज भज शक्ति, भज शक्ति। विधेयी राष्ट्र, विधेयी राष्ट्र तथा अनुरक्ति, तथा अनुरक्ति, तथा अनुरक्ति, कुरु कुरु सततम, कुरु कुरु सततम, देहे स्मरणम, देहे स्मरणम सदैव पूरतो निधेयी चरणम। ये तीसरा श्लोक हुआ है। अब इसमें तीसरे श्लोक का अन्वय लिखते हैं। तीसरे श्लोक में अन्वय होगा भीतिम जहिहि, भीतिम जहिहि भज भज शक्तिम भज भज, भज